दो साल के अंतराल के बाद जम्मू संभाग के समर जोन में जूनियर कक्षाओं के स्कूल आज सोमवार को खुल गए। कोरोना से उपजे हालात के कारण दो साल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे। पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूलों में चहल पहल लौट आई। कुछ छोटे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार स्कूल का मुंह देखा, क्योंकि पहली कक्षा में दाखिला तो लिया था लेकिन दो साल तक स्कूल बंद रहे। सर, हमारा स्कूल दो साल के बाद खुल रहे हैं सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। और सर, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन सफ़र कर रही थी, अब हम मेरे को अच्छा लग रहा है स्कूल आके। कभी ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम थी कि बार बार क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाती थी, तो पढ़ा सही से नहीं जाता था। अब हम स्कूल आए हैं तो अब हम ढंग से पढ़ सकते हैं, अच्छे से टीचर्स सामने, आई कॉन्टैक्ट होगा स्टूडेंट्स और टीचर्स का, तो अच्छा रहेगा। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित बनाया गया है। स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद ही बच्चों को अंदर प्रवेश करने दिया गया। बच्चों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। चूंकि पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं और छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रावधान भी नहीं था, इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए छोटे बच्चों का विशेष रूप से एहतियात करने के लिए कहा गया है। मैं तन्वी डलोत्रा, मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल खोख्याल। दो साल बाद हमारे स्कूल खुले हैं, इसीलिए आज हमारे सर ने हमारे लिए ढोल बजाए, बाजा बजाया और हमें बैलून दिए, पेन दिए, पेंसिल दिए। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है स्कूल? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बिलीव दिस, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूलों में अध्यापक व अन्य स्टाफ सदस्य भी काफी उत्साहित नजर आए। स्कूलों में साफ सफाई के प्रबंध किए गए थे, सैनिटाइजेशन की गई है। स्कूलों में नियमित तौर पर साफ सफाई करने के लिए कहा गया है। नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के स्कूल 14 फरवरी से खोले जा चुके हैं, वहीं विंटर जोन के स्कूल 28 फरवरी को खुल जाएंगे। आज दो साल के बाद सही ढंग से जो स्कूलों का आगाज़ हुआ है फिर से, और ये बच्चे जो हैं स्कूल में आए हैं, तो मैं इतना खुशनसीब हूँ कि ये इतने सारे बच्चे आज पहले ही दिन, इसका मतलब इनको, इनके मन में भी चाह थी कि हम स्कूल जाएं और जाकर पढ़ें। तो ये देखते हुए कि बच्चों ने आज आना है, हमने स्कूल की सजावट इस प्रकार से की कि ये बच्चे डर महसूस ना करें, क्योंकि माँ बाप के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी एक डर सा बैठ गया है कोरोना का। तो हमने इस ढंग से माहौल को बनाया कि ये बच्चे हंसते हुए स्कूल में आएं और एक खुशनुमा माहौल जो है उनको मिले।